बीपीएससी के जरिए शिक्षक की जो बहाली हुई थी उसकी काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है। और आप देखिए कि कई सारे लोग हैं जो यहाँ मौजूद है, लेकिन हम सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर महिलाओं का तादाद है। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। मैडम कहाँ से आई हैं आप? पटना से ही हूँ मैं। महिला के लिए शिक्षक बनना कितना आसान हुआ इस सरकार की राज? आसान देखिए, आसान तो नहीं है, आप कट ऑफ का लेवल देख सकती हैं कितना गया। हम जनरल से बिलोंग करते हैं तो हमारा कट ऑफ गर्ल्स का 76 गया है, तो 76 कट ऑफ SST में ओवर हो जाता है। जैसा क्वेश्चन का लेवल था उसके मुताबिक ये ओवर हो जाता है, तो अच्छा रहा। और तैयारी करने वाले के लिए कोई टफ नहीं होता है, मेहनत कीजिएगा तो होगा। कब से तैयारी कर रही थी? तैयारी तो मैं BPSC की कर रही थी, जिसकी वजह से हमारा बेसिक स्ट्रांग था, तो हमारे लिए उतना कोई टफ नहीं रहा। अनमैरिड है या? ये बताइए, ऐसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से लड़के लोग BPSC निकाले हैं, काफ़ी डिमांड है उन लोग का ये दहेज तिलक को लेके, आपका क्या चॉइस रहेगा मैडम? देखिए, दहेज के मामले में जब बात दहेज की आती है तो मत पूछिए कितना जोर गुस्सा आता है, क्योंकि जितना आप मतलब किए हो पढ़ाई में, एक्सपेंसेस किए, हर चीज़ में किए, तो गर्ल्स भी उतना करती हैं, तो फिर ये दहेज का मामला में बहुत बुरा लगता है नहीं। और जब आपका भी जॉब, हमारा भी जॉब, तो ये दहेज का चीज़ जो ख़त्म होना चाहिए, जब हर चीज़ में इक्वल, तो फिर ये इक्वल होना चाहिए ना। आप खुद के लिए टीचर ही लड़का ढूंढेंगे? ये तो वक्त बताएगा इसको वक्त भी छोड़ते हैं। लेकिन बिहार में जिस तरीके से लगातार वैकेंसीज आ रही है, उसके लिए आपकी क्या राय है? ये बहुत बेस्ट है, ये जो मतलब BPSC जो नियम लागू किए, मतलब इतना जल्दी, मतलब कि 25 नवंबर को हम लोगों का लगता है फॉर्म सबमिट हुआ, और 7 दिसंबर को डेट आ गया एग्ज़ाम का, और 7 से एग्ज़ाम हुई और 21 को रिजल्ट दे दिए, मतलब वेरी गुड। ये डिसीजन जो है, मतलब इतना अच्छा अगर रहा तो बेरोजगारी 0 पे जरूर जाएगा। काउंसलिंग हो गया मैडम? नो हुआ। तो देखिए कि जिस तरीके से यहाँ की जो जो महिला शिक्षिका पहुंची हैं, भावी शिक्षिका हैं ये लोग। मैडम आपका भी हो गया सिलेक्शन? हाँ हो गया है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा। ये लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि मेरा 2 में सिलेक्शन हुआ है, 6-8 के लिए भी और 9-10 TGT अच्छा। के लिए भी, तो वही है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक में काउंसलिंग करा लेते हैं तो आप दूसरे में नहीं जा सकते हैं। अच्छा। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर मान लीजिए अगर हम छोड़ देते हैं, दूसरे में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम पीछे नहीं जा सकते हैं। अच्छा। तो ये सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन और ये बताइए कि वैकेंसी को लेकर के जिस तरीके से लगातार आ रहा है, कब से आप तैयारी कर रही थी जॉब को लेकर? जॉब के लिए तैयारी तो बहुत पहले से कर रहे थे, हम UP से हैं, और क्या कहते हैं, मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, लेकिन ये है कि वहाँ पर TGT से 1 नंबर से रुक गया था, तो ऐसे GIC में भी 2 नंबर से रुक गया था, तो प्रिपरेशन चल रही थी और यहाँ पे इंस्टेंट यहाँ पर हो गया। तो देखिए, महिलाओं का राय है जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो वैकेंसी आ रही है उसको लेकर के बहुत अच्छा महसूस कर रही, क्योंकि इतना जल्दी वैकेंसी, आप सुने कि महिला क्या कह रही हैं, जो लड़की युवती हैं वो कह रही हैं कि 25 को फॉर्म फिल हुआ और 7 दिसंबर को हम लोग का परीक्षा हो गया, अब काउंसलिंग के लिए भी आ गए, तो इतनी जल्दी बाहर वैकेंसी का आना ये बिहार के लिए नहीं देश भर के लिए बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सालों साल से अभ्यर्थी तैयारी करते हैं नौकरी को लेकर के और उसको लेकर के इंतज़ार करना होता है, लेकिन जिस तरीके से बिहार की जो स्थिति अभी बनी हुई है नौकरी को लेकर के वो बेहद बहुत बेहतरीन है, और इसके लिए तारीफ़ भी की जाए जितनी वो कम है। लेकिन एक और ये चीज़ बता रही, दहेज को लेकर के इन्होंने कह दिया कि दहेज की बातें सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है, ये दहेज की बातें नहीं होनी चाहिए। और देखिए हमारे सामने जो पीछे भी कई सारी जो महिलाएँ हैं उन लोगों, ये लोग भी आई हुई हैं यहाँ पर। आपका सिलेक्शन हो गया मैडम? नहीं, अभी नहीं हुआ। आई हैं यहाँ पे? यस, मैं आई हूँ काउंसलिंग के लिए। हाँ, काउंसलिंग के लिए आई हैं। शिक्षक बनना कितना आसान हुआ बिहार में? बिहार से हैं? नहीं, मैं झारखंड से हूँ। हाँ, कितना आसान है बिहार में? मेहनत करना पड़ता है आदमी को BPSC का। मैडम आप मेहनत तो आप कर रही थी तो झारखंड में भी जॉब मिल जाता? नहीं, झारखंड में तो अभी वैकेंसी इस बार आई है, अभी आई है। बिहार के लिए आपकी राय क्या है? अच्छा राज्य है, और क्या, बच्चों को, इतने सारे बच्चों को वैकेंसी मिल रही है, बच्चे जॉब मिलेंगे, सबका घर तरक्की होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और ये मैडम जी, क्या अब शिक्षक बन जाना है? बिल्कुल, बनने की कोशिश तो यही है, पर काउंसलिंग हो जाए, बस काउंसलिंग हो जाए। तैयारी कब से कर रही थी? हम तैयारी लगभग 3 साल से कर रहे हैं। लेकिन आप बिहार से हैं? नहीं नहीं, यूपी से हैं। यूपी से, यानी कि सारे यूपी वाले ये यहाँ के सीट लेकर चले जाएंगे नौकरी लेके?
यूपी में वैकेंसी आएगी तो यूपी में लेंगे, और कहीं और आएगी तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ले सकते हैं। बिहार सरकार के लिए क्या राय है आपकी, जिस तरीके से नौकरी आ रही है? अच्छी है, मतलब एक तो ये संतोष है ना कि हाँ हमें जॉब मिल रही है, इतने दिन से मेहनत की है, और बाहर होने के बाद बीएड वालों को बाहर कर दिया तो फिर एकदम लग गया था कि नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन चलिए यहाँ निकल आया तो अच्छा रहा। तो देखिए कि चेहरे पे मुस्कान साफ तौर पर बता रहा है कि सरकारी नौकरी मिलना सहज नहीं होता, आसान नहीं होता, मेहनत तो करना होता है, लेकिन जिस तरीके से नौकरी बिहार में मिल रही है उसको लेकर के हमने महिलाओं का राय जाना। बिहार से बाहर की युवतियाँ कुछ बिहार की भी हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से वैकेंसी आ रही है, TRE 3.0 की भी आगे जो है वैकेंसीज आने वाली है, यानी कि जिस तरीके से लगातार वैकेंसी शिक्षक बहाली के लिए आ रही है वो बेहद ही बिहार के लिए अच्छे मैसेज, और बिहार के बाहर के लोग भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं बिहार में कि इन लोगों को नौकरी लग जाएगी। जो तैयारी है, जिनकी अच्छी तैयारी है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो बने रहे कशिश के साथ, पटना से गीता सिंह की रिपोर्ट।